अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं रेशमा आ गई हूँ आज एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके जो बहुत ही एरोमेटिक होती है और इसकी खुशबू से ही आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और ये रेसिपी का मजा लीजिए। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो चलिए आज एक ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी बना रहे हैं, तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल ली हूँ। आप घर में जो यूज़ करते हैं वो चावल ले सकते हैं, सिर्फ बासमती छोड़ के आप कोई भी चावल ले सकते हैं। और यहाँ मैंने उड़द की दाल ली हूँ बिना छिलटे वाली। तो मैंने इस कप से मेजर किया है, चावल लिए हैं 3 कप और ये उड़द दाल मैंने ली है 1 कप। तो ये मेजरमेंट आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ी सी मेथी दाना। मेथी दाना डालने से ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। तो मेथी दाने को हम मिक्स करेंगे उड़द की दाल में। चावल और दाल को मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है, उसके बाद हमें इसे भिगाना है। हमें इसे लगभग 4 से 5 घंटे तक इसे भिगाना है। 5 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दाल और चावल दोनों ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमें इन्हें ग्राइंड करना है। दाल को अलग से करेंगे, चावल को अलग से करेंगे। याद रखिए इन दोनों को कभी भी एक साथ ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि हम इसे फर्मेंट करने वाले हैं और फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों को अलग अलग ही पीसा जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने चावल का जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। अब देख सकते हैं इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब बारी है उड़द दाल की। उड़द दाल को भी हम इसी तरह से अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसका जो पानी हमने भिगाया था वही पानी हम यूज़ करेंगे, हम और पानी कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारी उड़द दाल का भी पेस्ट रेडी है। अब हम इसे भी चावल की पेस्ट में ऐड कर देंगे। तो अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये गाढ़ा ही रखना है। अब इस बैटर को हमें 12 आवर्स के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। फ्रेंड्स ओवरनाइट मैंने इसे रख दिया था। आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है वो पहले से काफ़ी फूल चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह का हमारा जो है बैटर होना चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम एक चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पीनट्स ली हूँ, 2 लाल मिर्चें, 2 हरी मिर्चें, 4 लहसुन की कलियाँ, 1 अदरक का टुकड़ा, नमक और शक्कर लिया है। और लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना दही और तड़के के लिए 2 रेड चिलीज और थोड़ा सा राई। तो सबसे पहले मिक्सी जार में मैंने पीनट्स ऐड कर दिए और जो प्लेट में सारी चीज़ें थी वो ऐड कर दूंगी। दही ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर देंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। देखिए हमारी चटनी जो है ये हो चुकी है, इसे बस अब तड़का दे देते हैं। अब इस चटनी को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। तड़के के लिए फ्रेंड्स मैं मेंशन करना भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा हमें चुटकी हींग भी ऐड करनी है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे राई। राई थोड़ी सी स्प्लटर हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे हींग, ऐड करेंगे रेड चिलीज, थोड़ा सा स्टर करेंगे। बस तड़का तैयार है। अब ये तड़का हम डालेंगे हमारी जो चटनी निकाली थी हमने उसमें और इमीजिएटली हम उसे ढक देंगे। चटनी तैयार है, अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 उबले हुए आलू ली हूँ। यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ क्रश कर लिया है। प्याज 1 लिया है, बारीक चॉप कर दिया है इसे। हरा धनिया बारीक चॉप करके लिया है। नमक लिया है, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा और 1 चुटकी हींग। और हमें लेना है कड़ी पत्ता जो मेरे पास नहीं है। जिस पैन में मैंने तड़का लिया था बस उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे हम इसमें प्याज। और प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसे हल्का सा स्टर कर लेना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता।
प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जो हमने एक साथ क्रश कर लिया था, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे, ये आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, इसमें हम जो बॉइल्ड आलू था मैंने उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसे मिक्स करेंगे। आलू अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कीजिए, मुझे बहुत पसंद है इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस मसाले में हम ऐड करेंगे आधा कप जितना पानी। पानी ऐड इसके लिए हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमें जो ये मिक्सचर है ये एकदम स्मूथ वाला चाहिए, इसीलिए हम इसे पानी मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बना है। इसे आप ढक के 5 मिनट तक कुक कीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हमारा मसाला रेडी है, चटनी रेडी है और बैटर हमारा रेडी है। बैटर को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, और जितना आपको बनाना है बस उतना ही बैटर आप बाउल में लीजिए। हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और जितना आपको बनाना है आप उसी में नमक ऐड कीजिए, जो नहीं बनाना है उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हम बनाने जा रहे हैं साउथ का स्पेशल मसाला डोसा। तो उसके लिए मैंने यह नॉनस्टिक पैन ली हूँ, पहले मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम उस ऑयल को थोड़ा सा पोंछ देंगे एक साफ कपड़े से, उसके बाद हमें इस पे पानी छिड़कना है इस तरह से, और फिर इसे भी हमें उसी कपड़े से अच्छे से वाइप आउट करना है। ये प्रोसेस करने से फ्रेंड्स हमारी डोसे जो है चिपकेंगे नहीं, बहुत अच्छे से निकल के आएंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं डोसा। तो पहले मैंने यहाँ पे स्पून से लिया बैटर, बैटर को हमने डाला नॉनस्टिक पे, और इसे इस तरह से सर्क्यूलर मोशन में हमें इस तरह से घुमाना है। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया है। अब बस इसे वेट करेंगे हम कि एक साइड से ये अच्छे से सिक जाए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये बबल्स जो है आना स्टार्ट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स ये एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसमें हमारा जो मसाला था वो ऐड करेंगे हम, और इसे इस तरह से हम सेंटर में रख देंगे इस तरह से। इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरह से एक साइड से, फिर नेक्स्ट हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, फाइनली इसे नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कीजिए। बेसिकली ये ट्रायंगल शेप का हमने इसे फोल्डिंग किया, आप चाहे तो इसे स्ट्रेट फोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स में जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पेपर डोसा होते हैं, बट हमारा जो पैन है यहाँ छोटा है, इसके लिए हमने छोटा वाला ही डोसा बनाया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रेडी हो चुका है हमारा एक डोसा, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं डोसा जो है मुंबई की स्ट्रीट्स पे आपको बहुत देखने को मिलेगा, हर रेलवे स्टेशन के बाहर एक या दो डोसा स्टॉल्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे फ्रेंड्स। और आप जानते हैं डोसा लवर्स इतने हैं बॉम्बे में, पर यहाँ कश्मीर में जो है डोसा स्ट्रीट पे तो अवेलेबल नहीं है, पर होटल्स में अवेलेबल होता है, बट इतना कॉस्टली होता है, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं इसे घर में ही बना लेती हूँ, ये कम कॉस्ट में और बहुत ही बेहतरीन बनता है। फ्रेंड्स मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ, मैं जब छोटी थी स्कूल जाती थी तब मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड थी पुष्पा, उसके घर पे मैंने फर्स्ट टाइम डोसा खाया था, और उसी दिन से ये मेरा फेवरेट बन गया फ्रेंड्स। तो पुष्पा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू इतनी अच्छी सी डिश मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए इसे अब प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे रख देंगे। और एक बात बताऊं फ्रेंड्स आपको, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था वरुण धवन के, ये डिश जो है वरुण धवन के भी बहुत फेवरेट है मैंने सुना है,
और जब भी वो मुंबई की सड़कों पर निकलते हैं तो वो ये डिश जरूर ट्राई करते हैं। आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को टिफिन में दीजिए, ब्रेकफास्ट में दीजिए, बहुत ही हेल्दी सा ऑप्शन है फ्रेंड्स। मसाला डोसा रेडी है, आइए इसे फैमिली को टेस्ट कराते हैं। तो चलिए बच्चों को टेस्ट कराते हैं। ये आलू की सब्जी और ये हमारी पीनट्स की चटनी, इतनी बेहतरीन बनी है फ्रेंड्स। अब हम आदिल को टेस्ट कराएंगे। आदिल कैसा है? खाने तो दो। अच्छा, अब सना की बारी। अच्छा अच्छा कुछ नहीं, चले चले चले। कैसा है सोना? गाइस बहुत ही टेस्टी और यम्मी था डोसा, तो मुझे बॉम्बे की याद आ गई, इतना अच्छा डोसा था। 2 साल से मैंने खाया नहीं था, जब मम्मा बॉम्बे थी तो हर संडे बनाती थी, और जब से कश्मीर आई है तब से एक बार भी नहीं बना है, इसलिए 2 साल बाद जाके खाया, अब बहुत मजा आ रहा है मुझे। अभी हम हर संडे बनाएंगे। अब फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉम्बे आ चुका हूँ। ये लो, इसी बात पे एक और खाएगा उससे। और सना को कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आदिल? एक बार खाओ के खाते ले जाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।